उत्तर प्रदेश के हाथरस में 20 वर्षीय लड़की के साथ हुई हैवानियत को लेकर पूरे देश में रोष है। इस बीच कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोबारा हाथरस जाने की कोशिश करने के लिए दिल्ली से निकल चुके हैं। राहुल और प्रियंका गांधी की अगुवाई में कांग्रेसी मृतिका के परिवार से बात करेंगे। पिछले महीने हाथरस में दलित महिला के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया था। हालांकि गैंगरेप की कोई भी पुष्टि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में नहीं हुई है। महिला की इलाज के दौरान अस्पताल में मौत हो गई। पुलिस प्रशासन ने आनन फानन में रात 2:30 बजे महिला का अंतिम संस्कार कर दिया था। इन चीजों को लेकर सरकार और पुलिस की आलोचना हो रही है। हालांकि आपको बता दें कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का दिल्ली नोएडा डायरेक्ट फ्लाईवे पर, यहां पर करीब 100 पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। पुलिस की ओर से निर्देश दिए गए हैं कि कांग्रेस नेताओं को दिल्ली नोएडा का बॉर्डर पार नहीं करने दिया जाए। जानकारी के मुताबिक राहुल गांधी दोपहर 2:30 बजे दिल्ली से निकले हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी टोयोटा इनोवा चला रही हैं और राहुल गांधी उनके ठीक बगल वाली सीट पर बैठे हुए हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के नेतृत्व में कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल शनिवार दोपहर को पीड़िता के परिवार से मुलाकात करेगा। हालांकि अब ये देखने वाली बात होगी कि सुरक्षा बलों की ऐसी तैनाती में भी कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा और राहुल गांधी हाथरस पहुंच पाएंगे या फिर नहीं।